दुर्ग के सुराना कॉलेज के सभागार में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर हुआ संगोष्ठी का आयोजन, जिसमें पहुंचे दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने अपने संबोधन में छात्र छात्राओं को प्रेरित किया। युवाओं में लगातार नशा व आत्महत्या की घटना व बढ़ते अपराध को नियंत्रण करने के उद्देश्य को लेकर दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार जागरूकता सप्ताह का आयोजन कर शहर के आम नागरिकों सहित स्कूली छात्र छात्राओं को कार्यशाला या संगोष्ठी का आयोजन कर अपनी बात रख लोगों को इससे बचने प्रेरित कर रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर दुर्ग के सुराना कॉलेज सभागार में एक GOC संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव सहित पुलिस विभाग व कॉलेज के शिक्षक व छात्र छात्राएँ बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने छात्र छात्राओं के बीच अपने संबोधन में इस बढ़ते अपराध और घटनाक्रम की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी लक्ष्य बताए। इससे बचने व बचाने पुलिस सहायता नंबर पर कॉल कर मदद पाने की बातें कहीं। इस अवसर पर प्राचार्य GN ठाकरे, संचालन डॉक्टर रानी शुक्ला, चेयरमैन प्रवीण चंद तिवारी, डॉक्टर पूजा मल्होत्रा, थाना प्रभारी दुर्ग SN सिंह सहित अन्य स्टाफ तथा 300-400 बच्चे कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस संबंध में न्यूज टीम के समक्ष दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आत्महत्या प्रिवेंशन डे में पुराना कॉलेज में यहाँ के चेयरमैन साहब, प्रिंसिपल ब्लॉक कॉलेज मैडम और बाकी सभी बच्चों के साथ एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, क्योंकि स्कूली बच्चों में आत्महत्या के रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बच्चों में एग्जाम स्ट्रेस को लेकर, आपस में अफेयर के टूटने के कारण, नशा के कारण काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन एंजाइटी के वो शिकार हो रहे हैं और वो स्ट्रेस की कोपिंग स्किल्स उनके कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो आज बच्चों के साथ जो है स्ट्रेस को कैसे इम्प्रूव किया जाए, स्ट्रेस को बचाया जाए, कैसे अपना डेली रूटीन ठीक किया जाए, कैसे लाइफस्टाइल चेंजेस क्योंकि हेल्प करते हैं, कैसे मेंटल इलनेसेस के कॉमन सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज किया जाए, कैसे उनके सपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए, करीब 300 बच्चों के साथ जो है वो डिस्कशन हुआ और निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत है। आज हमने दुर्ग पुलिस की तरफ से जो हमारा 112-118 हेल्पलाइन है, जो कि एक्सीडेंट्स के भी जो रिस्पांस टाइम रहता है, हमने उसको सुसाइड से भी जोड़ा है, जिससे किसी भी व्यक्ति को यदि खुद को नुकसान पहुंचाने के ख्याल आ रहे हैं तो वह या तो खुद या उसके घर वाले हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। तुरंत एम्बुलेंस जाएगी, उसको रिकवर करेगी, रेस्क्यू करेगी और उसको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करेगी। देश भर में 10,000 में 10 व्यक्ति करीब सुसाइड से मरते हैं। छत्तीसगढ़ में ये आंकड़ा 25 से 26 के बीच में है, जो कि देश के एवरेज से 2.5 गुना ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में इस बढ़ते हुए सुसाइड रेट को देखते हुए एक अवेयरनेस और साथ में इंटरवेंशन की आवश्यकता है। दुर्ग जिला इसमें पहले आगे बढ़ा है और हमें भरोसा है कि सुसाइड को कम करने में सफल होंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।